डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज नाव और धारा पर कुछ सवालों को करते हैं और डीडी स्टाइल में सीखते हैं, ऐसे हल करना सीखते हैं कि चुटकी में चीजों को हम हल कर दें। आप लोगों का प्यार ही तो है जिसमें अभी तक 2.5 करोड़ लोगों ने वीडियो को देखा है और 6 लाख के करीब लोगों ने सब्सक्राइब किया है। कोई इस मुकाम पर बस अपने बलबूते पे नहीं पहुंचता है, बल्कि आपके प्यार के बदौलत ही पहुंचता है। इसलिए आप लोगों को फिर से सब्सक्राइब करने और बेल बटन दबाने का गुजारिश मैं अवश्य करूंगा। तो क्लास को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक सवाल है, विकास धारा की दिशा में कोई निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है और 9 घंटे में वो वापस आ जाता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में विकास की चाल ज्ञात करें। तो देखिए, इस सवाल को क्या करेंगे, हम पहले ये अनुपात विधि में करने की कोशिश करेंगे, चुटकी में कर देंगे। तो हम बोलते हैं समय का अनुपात क्या है भैया, जाने का समय, देखो जाने में उसे 6 घंटा लगता है तो 6 लिख दिया, आने में उसे 9 घंटा लगता है तो 9 लिख दिया। हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भाग तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो 6/9 हुआ, काटेंगे तो क्या होगा, 2/3 होगा, 3 × 6 = 9 हो गया। देखो, समय के अनुपात का उल्टा होगा चाल का अनुपात। चाल का अनुपात मतलब जाने में लगा चाल और लौटने का चाल। कहे कि चाल अलग होगा इसीलिए तो समय अलग होगा, क्योंकि एक निश्चित दूरी जाता है आता है। तो अगर दूरी निश्चित है तो जाने का समय और लौटने के समय में अंतर है, तो वो चाल के अंतर के कारण है। जब समय ज्यादा लग रहा है तो क्या होगा, अगर जाने का समय कम लग रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो चाल ज्यादा होगा। और अगर लौटने का चाल जो है, देखो लौटने का समय ज्यादा लग रहा है तो लौटने का चाल कम होगा, जिसके लिए अनुपात 2/3 के जगह पे हम 3/2 होगा। और ये जाना और लौटना जो है, इसलिए हमने 3/2 लिखा। लेकिन हमने एक चीज और भी लिख दिया यार, u+v u-v। मामला क्या है इसको पहले समझ लेते हैं और हम बेसिक को यहीं पे फटाफट समझ लेते हैं। तो देखो, धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जा रहा है तो क्या, देखो नाव की स्पीड अगर u है, नाव u स्पीड में चल रहा है, ठीक है ना। और धारा अगर भी बोलते हैं तो धारा भी इसको, चूंकि धारा की दिशा में जा रहा है, धारा भी नाव को ठेल रहा है, तो इसका मतलब हुआ u+v। और धारा की विपरीत दिशा में मतलब क्या है, नाव की स्पीड देखो u है लेकिन धारा उल्टे दिशा में बह रही है, तो धारा उसको रोकने की कोशिश कर रही है। जैसे काफी अगर आप तूफान आ रहा है, आप सामने की तरफ चलते हैं तो आपको महसूस होता है कि हवा आपको चलने में रोक रहा है, वही हिसाब जो है नाव के साथ है, इसलिए u-v = 2। ये एक बड़ी मुद्दा है और इसे हम छोटे में सीख गए। धारा की दिशा मतलब नाव का, नाव के चाल के पीछे धारा भी उसे ठेलेगा। और धारा की विपरीत दिशा मतलब नाव तो चलेगा लेकिन धारा उसका विरोध करेगा, ठीक है। इतना ही तो समझना है, बात बाकी तो हो गया है, क्योंकि हम ऑप्शन मेथड लगाएंगे। क्यों ऑप्शन मेथड लगाएंगे, तो भैया ऐसा है कि देखो यहां पर हमें धारा की चाल जो है, ये धारा की चाल जो है ये मुझे 3 किलोमीटर दे दिया हुआ है। अब चूंकि धारा का चाल मुझे 3 किलोमीटर दे दिया है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें ऐसा इस इक्वेशन को बनाना है कि जो काटने पर आपका जो है 3/2 आ जाए। अब चलो हम ऑप्शन में लेते हैं। देखो ये क्या है, ये विकास की चाल है, ठीक है ना, मतलब ये यू है। तो अगर हम जानते हैं कि विकास की चाल अगर 9 किलोमीटर, ऑप्शन मेथड से कर रहे हैं, तो क्या होगा, 9 और 3 क्या होगा, 9 और 3 = 12 हो जाएगा, देखिए। और नीचे क्या होगा, u-v, यहां पे u क्या है, विकास 9 है और धारा की चाल 3 है, ठीक है ना। ये हम जब लेते हैं तो ये क्या होगा, 9-3 = 6।
तो ये अगर काटेंगे तो क्या होगा, 2/1 हो गया ना, तो 2/1 है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 3/2 चाहिए, तो मतलब ये तो नहीं होगा, ये 9 किलोमीटर नहीं होगा। चलिए ये हो गया, अब हम 6 किलोमीटर को लेते हैं, तो इसके जगह पे हम U को अब 6 ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, तो 6 + 3 क्या हुआ, 9 हुआ, 6 - 3 क्या हुआ, आपका 3 हुआ, इसको काटते हैं तो क्या होता है, देखो ये 3/1 हो जाता है, ठीक है ना, तो ये भी तो नहीं हुआ, ये पता चल गया, क्योंकि हमें चाहिए 3/2। अब हम तीसरा लेते हैं तो मतलब ये भी नहीं हुआ, इसको पहले काट देते हैं, अब हम तीसरा लेते हैं 15 किलोमीटर, तो 15 तो हम इसको भी हटा दिए, अब इसको 15 किलोमीटर ले लेते हैं, तो देखो 15 किलोमीटर अगर ले लेते हैं, 15 और 3 क्या हो गया, ये 18 हो गया, और 15 और 3 घटा दिया तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। अब देखो ये कटता है, 6 * 3 = 18 होता है, और 6 * 2 = 12 होता है, ठीक है ना, तो मतलब ये 3/2, यही 3/2 है, तो ये चाल का अनुपात तभी सही होता है जब हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा को लेते हैं, इससे ये प्रमाणित हो जाता है। कहा कि देखो 21 को लेते तो क्या होता, 21 और 3 = 24 होता, ठीक है ना, और 21 से अगर 3 हम घटाते तो कितना होता, 18 होता, तो इसे अगर काटते तो क्या होता, तो 4 * 6 = 24 होता, और 6 * 3 = 18 होता, तो इसलिए ये भी नहीं होता, ये मैंने जानबूझ के एक करके दिखाया। तो मतलब है कि दिस ऑप्शन मेथड से आप किसी भी चैनल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, मैं बोलता हूं ये इससे छोटा में होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपने लगाया। तो देखिए हर गणित को करने का अपना तरीका होता है, तो इस अगर इस तरह की चीज है तो इस डीडी स्टाइल में करना सीख लीजिए, सुखी हो जाएंगे, लंबा चौड़ा कोई समीकरण विधि नहीं, अनुपात विधि में करें। चलिए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं, और चलने के पहले एक बात को आपको बताना चाहता हूं कि देखो भैया संपूर्ण गणित है जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए ये गणित का बनाया हुआ है, ये वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियो है, ये बेसिक से शुरू किया गया है, इसमें 1000 गणितों का हल के साथ है, और ये 1 साल के लिए आपके पास उपलब्ध रहेगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ₹360 केवल वीडियो कोर्स के लिए है, और साथ में मेरी बक बक सुन के आप 2 महीने में, देखो 90 डेज के अंदर में ये पूरा का पूरा आपका गणित के आप संपूर्ण रूप से सीख सकते हो। तो जिसके लिए जो है उसके लिए खाली मैंने ₹200 इसमें आप समझ लो कि अगर जोड़ देते हो तो ये ₹560 की प्रोग्राम होता है। मैं बोलता हूं कि इस जो सुविधा को जो लिमिटेड पीरियड के लिए दिया है आप कभी नहीं छोड़ेंगे। व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे दिया है, इस व्हाट्सएप के नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक नाव को ए स्थान से बी तक जाने और बी से ए तक आने में कुल समय 1 घंटा 4 मिनट लगता है। पहले जाने और आने का समय दे दिया है, समझ लेना इसे हम जैसे चुटकी में कर देंगे उतना चुटकी में आपका समीकरण विधि में नहीं होता है। शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर है, नाव की चाल मतलब क्या होता है, हम इसे यू बोलते हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 3 किलोमीटर है, देखो इसे हम भी बोलते हैं। अब 3 सवाल पूछा गया है, 1 सवाल के अंदर में 3 सवाल है, जाने आने समय का अनुपात क्या होगा, स्थान ए से बी की दूरी क्या होगी, नाव की औसत चाल क्या है। देखो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है जानबूझकर, अगर ऑप्शन देता तो ये और भी जल्दी होता, तो भी देखो बिना ऑप्शन के भी कैसे हम करते हैं इसे, जरा एक बार इस पे क्या कहते हैं अपना ये फरमाना। तो पहले की बात जो हम करेंगे, क्या करेंगे, जाने की चाल लौटने की चाल मतलब चाल का अनुपात। अब देखो जाने में क्या है, 12 तुम्हारी नाव की चाल है, धारा की चाल 3 है, जोड़ दिया तो 15 हो गया, और 12 से 3 घटा दिया तो 9 हो गया,
कट्टम कूट किया, तीन से काटा तो 5/3 हो गया, ये तो समझ में आ गया। ये क्या है? चाल का अनुपात हुआ। और चाल का अनुपात का उल्टा क्या होता है? अब भी हमने बोला समय का अनुपात होता है, तो मतलब समय का अनुपात क्या है? जाने का समय, आने का समय। देखो क्या हो गया, 5/3 था, 3/5 हो गया। लेकिन यहां कुल समय, तो कुल समय अगर आप बोलते हो तो आप बोल सकते हो ये 3x है, अब बोलने के लिए बोल सकते हो ये 5x है, जाने में 3x समय लगा था, आने में 5x समय लगा था, तो कुल x समय क्या लगा था? 8x था। 8x बराबर 1 घंटा 4 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 4 मिनट और जोड़ दिया तो 64 मिनट हुआ। देखो मैं तो ये मैं लिखने की जरूरत नहीं है तो भी मैं थोड़ा लिख देता हूं चलो, लेकिन उसके पहले जो है इस चीज को फिर से याद दिला दिया। धारा की दिशा में क्या है भैया? U प्लस बी क्यों होता है? देख लो अभी बताया है, धारा की विपरीत दिशा में U माइनस बी क्यों होता है, समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे हम करते हैं। तो देखो ये कुल भाग या इसको 5x प्लस 3x बराबर 8x कर लो, 8x बराबर जो है आपका क्या है? 64 मिनट। क्यों भैया? 1 घंटा 60 मिनट, 4 मिनट, 64 मिनट है। अब 64 से अगर 8 को भागा दे दोगे तो 8 64, एक भाग मतलब प्रति भाग, या इसको x बोलो जो दिल में चाहे जैसे आपको सही लगे, आपको 8 मिनट का है। तो जाने में 3x बराबर 3 8 24 मिनट लगा है, आने में कितना लगा है? 5 8 40 मिनट। देखो समय का अनुपात तो हमने देखो आने और जाने का समय का अनुपात 3/5, ये तो हमने निकाल दिया है, ये 3/5 हो गया, ठीक है ना। ए स्थान से बी स्थान की अब दूरी क्या है? तो देखो ए स्थान से बी स्थान गया है, आया है, ठीक है ना। अब जाने की स्पीड क्या है भैया? अब जरा हम इसको करके देख लेते हैं। हाँ, अब जाने का समय कितना लगा? देखो जाने का समय जो 3x था मतलब 24 मिनट लगा है, लौटने का समय क्या है? 40 मिनट लगा है, ठीक है ना। तो और इसको काटोगे तो वही आपका 3/5 ही आएगा। अब हम आते हैं कि तो फिर दूरी कितनी है? दूरी कैसे निकलती है भैया? दूरी निकलती है जैसे 24 मिनट लिया तो 24 मिनट को ये 24/60 क्या हुआ? घंटा हुआ। क्यों घंटा हुआ? जाने की चाल क्या थी? 15 घंटा प्रति किलोमीटर था ना, क्योंकि धारा की दिशा में U आपका क्या था? U आपका 12 था यहां पर, ठीक है, U आपका 12 था, B आपका 3 था, तो जाने के वक्त क्या स्पीड था? 15 किलोमीटर की स्पीड थी और 24/60 15 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसलिए मिनट को हमने घंटा में चेंज किया, गुणा किया तो 6 किलोमीटर। तो ये दूरी भी हमें मिल गई 6 किलोमीटर, इसका भी जवाब हमें मिल गया। अब पूछता है कि औसत चाल क्या था? अब देखो औसत चाल अगर हमें निकालना है तो औसत चाल कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, जरा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। औसत चाल निकालना होगा तो क्या है कि हमारे पास दो चाल है, एक चाल 15 है, ठीक है ना, 12 + 3 ये जाने का चाल है, ठीक है, और ये लौटने का चाल क्या है? 15 - 3, ठीक है। तो आप औसत चाल का सिंपल एक फॉर्मूला में याद कर लेते हैं, ऊपर गुने का दुगुना, मतलब दो चाल है 15 × 9 और उसका दुगुना करोगे तो 2 से गुना कर दोगे, तो जैसे लिख देते हैं, देखो औसत चाल क्या है? ऊपर गुने का दुगुना, 15 और 9 2 है, उसको दुगुना किया ऐसे, नीचे जोड़, क्या क्या चाल था? 15 था 9 था, तो इसका हम कैसे बोलते हैं? ऊपर गुने का दुगुना नीचे जोड़। तो फिर हमने क्या किया, इसको किया 2 × 15 × 9 और ये 24 अगर काटेंगे तो 3 3 9 3 8 24, ठीक है ना। 8 को फिर हम 2 से काटेंगे तो 4 × 2 = 8 होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो 15 + 3 = 45 हुआ, तो 11 × 4 = 44 और 1 11 = 1/4, तो 9 की औसत चाल क्या हो गई? 11 × 1/4। देखो मैंने पहली बार ऑप्शन का मेथड यूज किया,
ये थोड़ा सा लंबा हुआ, हमने ऑप्शन का मेथड यूज नहीं किया, हमने दोनों सवालों को करके दिखाया और ये डीडी स्टाइल में, तो भी चुटकी में। देखो भैया ये तीन सवाल है इसके अंदर में, ये वक्त भी लगा तो ये भी रखना कि तीन सवाल है। अब चलिए कुछ थोड़ी सी बात और हम बता देते हैं, और वो बात क्या बताएंगे आपको कि गांव के अंदर रहकर भी खुद से तैयारी इस डीडी स्टाइल में करना है तो ये संपूर्ण गणित जो है जिसमें सब कुछ है यार, बीज गणित है, अंक गणित है, एडवांस मैथ है, सारा कुछ है, ये आपको केवल 360 रुपए में मिलता है। और अगर इसके साथ मेरे से आप ये जान के जान लेना चाहते हैं कि गणित सीखना भी अपने में एक कला है, उस कला में रिवीजन कैसे होगा, अगर जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप, कोई भी एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम के लिए, रेलवे दीजिए, पटवारी दीजिए, बैंक दीजिए, कुछ भी दीजिए, तो 360 है और ये 560 है, उसमें 2 महीना तक मैं आपको सपोर्ट भी करता हूं। और जैसे मैंने बोला ये 1 साल के लिए आपके पास है, ये डाउनलोड भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक बड़ा सिंपल सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में बराबर दूरी तय करता है। देखो ये बराबर दूरी तय करने की बात करता है, नाव की चाल विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। अब इसको करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है यार, तो हमने ये देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गणित का आपका हैबिट बना हुआ है तो हमने ये सब लिख दिया, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होगा, आप जरा इसे जान लीजिए, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2। ये आपने रट्टा भी शायद मारा होगा, मैंने कहा कि ये क्यों करने का है, आप इस चीज को खाली ध्यान में रखो ना यार। अगर हम चाल की अनुपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाल की अनुपात, तो हमने क्या लिखा मेरे दोस्त, यू प्लस बी यू माइनस बी, ठीक है, तो हमने यू प्लस बी लिखा, हमने यू माइनस बी लिखा। अब यू क्या है, देखो नाव की चाल है, नाव की चाल अगर निकालना है तो हमें क्या करना है, बी को हटाना है, ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं, यू प्लस बी हमारे पास क्या है, देखो U प्लस बी हमें क्या दिया हुआ है, U प्लस डी बी दिया है हमें 20, और U माइनस बी क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है ये 10। हम जोड़ देंगे तो अब मन की आंखों से जोड़ो ना, प्रधानमंत्री बन जाओ इंडिया के, जोड़ोगे तो देखो ये बी कट जाएगा, ठीक है ना, ये बी कट जाएगा तो क्या होगा आपका 2U उधर होगा, और ये 20 और 10 30 हो गया, 30 को 2 से भागा दिया 15 हुआ। तो देखो यही यहां भी वही बोल रहा है, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल 20 था और धारा की विपरीत दिशा में 10 था, अब जोड़ के इसको 2 से भागा देते हैं तो क्या होता है, नाव की चाल निकलती है। फॉर्मूला अगर नहीं याद करके ऐसे खाली देख के 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अब देखो दूसरी कंडीशन पे आते हैं, धारा की चाल, धारा की चाल का मतलब क्या हुआ भैया, देखो धारा की चाल क्या है, अब देखो इसको अगर हम मैं U प्लस बी जो अभी मैंने बोला, U प्लस बी हमें क्या मिला हुआ है, 20 मिला हुआ है, ठीक है ना, और हमें U माइनस बी क्या मिला हुआ है, U माइनस बी हमें मिला हुआ है, हम चलिए लिख लेते हैं, हम ये अपने तरीके से समझने के लिए कर रहे हैं भैया। अब देखो हमें B को रखना है, U को हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, U प्लस B चलिए और माइनस करते हैं, घटाते हैं, U को हटाना है इसलिए माइनस U करेंगे, और माइनस U होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस B हो जाएगा, मतलब इसको से अगर घटाते हैं तो क्या, देखो U हट गया, हमें धारा की चाल पूछा था, धारा की चाल बराबर क्या होता है, B होता है, तो यहां देखो 2B है, मतलब घटा के अगर 20 से 10 घटा दिया तो कितना बचा, 20 से 10 घटा दिया तो 10 बचा, 10 को 2 से भागा दिया, क्यों, 2B हो गया था, 2B हमें बराबर क्या मिला, देखो 2B बराबर मिला, हमने 20 से 10 घटाया 10 मिला, है ना, और उसको अगर
तो वी मिलने के लिए क्या होगा, 10 को हमें 2 से भागा देना होगा, है ना। तो 10 से अगर भागा देंगे तो वी 5 हो जाएगा। देखो यहां पर भी वही मामला है, वी बराबर जो है 5 किलोमीटर आया हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये आपका जो है, तो धारा की चाल जो है ये कर देंगे तो ये बराबर आपको 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि यहां भी देखो धारा की दिशा में चाल अगर हम दिखेंगे तो क्या है, 20 है ये, ठीक है ना। धारा की विपरीत दिशा में क्या था, 10 था, 20 से 10 घटाएंगे तो 10 होगा, 10 से 2 से भागा देंगे 5। बेटर है आप इसको इस तरीके से अगर याद रखते हैं, जब यू निकालना है तो आप जोड़ देते हैं, जब भी निकालना है तो घटा देते हैं, और हर वक्त 2 से भागा दे देते हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपको एकदम दिमाग में समझ गया है, लेकिन एक सवाल इस पे और करना बनता है शायद, चलो देखते हैं। तो उसके पहले फिर एक बात को याद दिलाना चाहेंगे कि आप भूल किसी तरह से नहीं जाए, दुनिया में सबसे कम कीमत की वीडियो कोर्स, जी हां, ये संपूर्ण गणित, आप अगर किसी की किताब भी लेते हो यार, कोई भी गणित की किताब लेते हो, आर्यस अग्रवाल का ही लो ना यार, 500 से ऊपर है, 600 के करीब है अभी, और यहां पर वही चीज 1000 गणित के साथ आपका रिकॉर्डेड वीडियो 360 रुपए में है। किताब बोलता नहीं है, जैसे मैं वीडियो को यहां समझा रहा हूं, वहां एक एक गणित अलग है, अलग करके समझाया गया है, चैप्टर वाइज किया हुआ है। तो आप किताब खरीदने से बेटर है आप जो है उसे आप इससे ले लेते हैं, क्या कहते हैं, इस वीडियो कोर्स में ले लेते हैं। और अगर मेरी मदद चाहते हैं तो सही में मदद जरूर लेना मुझसे यार, क्योंकि एक टीचर हूं, जिंदगी भर सिखाया हुआ हूं, और 63 साल की उम्र का इंसान हूं, तो मुझे पता है कि गणित को चुटकी में 90 दिन के अंदर में कैसे सीखा जाता है। और उसके लिए जो है इसमें 200 रुपया करके 560 रुपीज का चार्ज है। चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और एक है कि एक नाव धारा की दिशा में 4 घंटे में 28 किलोमीटर, देखो, और धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 12 किलोमीटर। देखो ये वक्त बोला है, चाल नहीं बोला है, चाल प्रति घंटे होता है, चाल का मतलब क्या होता है, प्रति घंटे का हिसाब होता है। यहाँ 4 घंटे में अगर 28 किलोमीटर गया है तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 28/4 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है धारा की दिशा में हमें गति चाल क्या मिला, इसे हमें मिला 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा आते हैं धारा की विपरीत दिशा में चाल, यहां बोल रहा है देखो 6 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है, चाल क्या है, प्रति घंटे का हिसाब है, तो हमें 12/6 कर दिया यार, 12/6 मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने भी KMPH मतलब किलोमीटर पर आवर है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं। अब अगर हम आते हैं, देखो हमें 2 चाल के स्पीड मिल गया, मतलब हमें देखो क्या मिल गया, हमें जो मिला जो है वो है U मिल गया है हमें, क्या हमें U मिल गया है 7, भी मिल गया है हमें 2, ठीक है ना। धारा की विपरीत दिशा में चाल, सॉरी धारा की दिशा में चला, मैंने गलत यहां पे गलत किया, इसको काट देता हूं, धारा की दिशा में मतलब U प्लस भी हमें मिल चुका है यहां पर, और धारा की विपरीत दिशा में मतलब U माइनस भी हमें मिल चुका है यहां पर। तो U प्लस भी 7 है, U माइनस भी 2 है। अब हमें क्या करना है, हमें पूछा है नाव और धारा की चाल, नाव की चाल क्या होगा, नाव की चाल का मतलब है हमें देखो U रखना है, U को रखना है, B को हटाना है, तो B को हटाएंगे तो मतलब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, जोड़ा, ठीक है ना, और 2 से भागा दे दिया, तो मतलब क्या है, 7 और 2 जोड़ा 9 हुआ, 9 को 2 से भागा दिया तो क्या हो गया, 4.5 हो गया। देखो यही U प्लस भी हमें क्या मिला है, यहाँ पे भी लिख देते हैं एक बार, U प्लस भी हमें 7 मिला हुआ है जो मैंने अभी बताया, U माइनस भी हमें 2 मिला हुआ है, और हमें अगर U रखना है तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्या है कि प्लस भी माइनस भी कट जाएगा,
और टू यू हो जाएगा इसलिए दो से भागा देंगे, तो 7 और 2 9 होगा, 9 को 2 से भागा देंगे तो 4.5 होगा, तो देखो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये नाव का स्पीड जो है हमें 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा मिला, ठीक है। और अगर हमें अब धारा की चाल बोलना है तो धारा की चाल का मतलब क्या होता है भैया, हमने बोला है घटाते हैं, घटाते हैं मतलब क्या, घटाएंगे तो U प्लस V, देखो U जैसे पहले लिखा फिर से लिखता हूं, U प्लस V, अब घटा रहे हैं तो नीचे वाले को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस U और माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस V, ठीक है ना। तो ऐसे हालत में U U कट गया, आपका 2V रह गया, मतलब धारा की चाल जो है जिसे हम V बोलते हैं, नाव की चाल को U बोलते हैं, तो धारा की चाल क्या होगी, तो देखो 7 में से 2 गया, 5 5 का 2 से भागा दिया तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। देखो ये 4 जो हमने मैथ बोले हैं ये इस टाइप के ही मैथ अभी ट्रेंड में है, इसे तो जरूर जरूर कर लेना ये काफी, और समझ के करना दोस्त, समझना समझने के मतलब इस तरह चुटकी में समझना, भले मैं समझाने में थोड़ा वक्त जरूर लेता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से याद दिलाते हैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए कि संपूर्ण गणित के बारे में जो बोला हुआ है, जो वीडियो कोर्स 360 में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, और 2 महीने के मार्गदर्शन से ₹560 होता है, व्हाट्सएप नंबर यहां पर है, फिर बोलूंगा यार सब्सक्राइब जो उन्होंने नहीं किया है करें, बेल बटन जिन्हें नहीं दबाया है दबाएं, और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।